दोस्तों, अगर आप कीबोर्ड यूज़ करते हो तो आपके दिमाग में या मन में एक सवाल तो ज़रूर आया होगा कभी ना कभी कि अगर हम कीबोर्ड को गलती से चार्जर में लगा दें, यानी कीबोर्ड की यूएसबी केबल को इस चार्जर में लगा दें तो क्या होगा, कीबोर्ड ख़राब हो जाएगा, फट जाएगा या फिर उसमें एक बहुत तगड़ा ब्लास्ट होगा। इसी सवाल का जवाब जानने के लिए हमने ये एक्सपेरिमेंट करके देखा है और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, यानी कि सब्सक्राइब करने का मतलब कि हमारी फैमिली में एक और मेंबर जुड़ जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम इस कीबोर्ड को लगा कर देखेंगे इसमें, और ये चार्जर फुल्ली वर्किंग है। मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ, कीबोर्ड ये भी फुल तरीके से वर्क कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब कीबोर्ड की यूएसबी केबल को लगा देते हैं हमें इस चार्जर में, जो कि बिल्कुल प्रॉपर वर्किंग है। मैंने आपको कीबोर्ड भी चेक करा दिया है और चार्जर बिल्कुल नया है। दोस्तों, ये रहा हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट। और आपको पता ही है कि लाइट भी जल रही है रूम की, इसका मतलब इसमें सर बोर्ड में लाइट है। और मेरा पूरा प्लान है कि ये कीबोर्ड या कुछ ना कुछ तो भाई ब्लास्ट ज़रूर होना चाहिए, लेकिन इसके मैं रीज़न भी बताऊंगा जो आगे होने वाला है। मैं पूरी साइंटिफिक फैक्ट के साथ आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो अब देखते हैं कीबोर्ड का क्या हुआ। मेरे को लगता है कीबोर्ड के साथ कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा क्यों? रीज़न है इसका कि कीबोर्ड के अंदर एक दो वायर होते हैं सप्लाई के लिए और दो वायर होते हैं डेटा ट्रांसफ़र के लिए, और केवल चार्जर के अंदर दो ही वायर होते हैं जो कि केवल डेटा सप्लाई के लिए नहीं होते, केवल और केवल पावर सप्लाई के लिए होते हैं। आप देख सकते हो हमारा वायर फुल्ली कनेक्टेड है। और अब मैं आपको दोबारा से इस कीबोर्ड को टेस्ट करके दिखा देता हूँ कि कीबोर्ड वर्किंग कंडीशन में है या नहीं। तो भाई कीबोर्ड का कुछ नहीं बिगड़ा है, कीबोर्ड अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है।